तो हेलो गाइज, यार तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज, होंडा ने अपनी CB350 RS को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आज ही हम लोग इसके गाड़ी के ऊपर बातचीत करेंगे, फुल स्पेसिफिकेशन, क्या कुछ आप लोगों को स्पेसिफिकेशन इस गाड़ी में मिलता है, क्या कुछ प्राइसिंग रखा गया है होंडा की तरफ से, क्या कुछ आप लोगों को कलर स्कीम मिलता है उस, और इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसकी, वो डिज़ाइन लैंग्वेज किस तरह का है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए गाइज, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तसदम ब्लॉग्स। तो गाइज, जो भी नए हो चैनल पे जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो गाइज, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, होंडा CB350 RS जो है, हम लोग डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो अगर आप लोग सामने से इस गाड़ी को देखोगे तो आप लोगों को डिट्टो एकदम होंडा हाइनेस 350 के जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, पीछे से देखोगे, रियर से देखोगे और साइड से देखोगे, साइड एंगल से देखोगे, तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कलर स्कीम है वो होंडा CB350 का जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले जो एडवांटेज है होंडा CB350 में, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आप लोगों को फुल्ली LED का मतलब कि सेटअप मिलता है। आप लोग अगर टेल लाइट की बात करो तो हेडलाइट या फिर इंडिकेटर फुल्ली LED में आप लोगों को चारों के चारों चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग डिजिटल कंसोल की बात करें तो डिजिटल कंसोल जो है वो सेम हाइनेस की तरह है। जो भी हाइनेस में आप लोगों को मतलब कि डिजिटल कंसोल था उसी के तरह आप लोगों को हाइनेस की तरह ही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग टायर की बात करें, टायर में काफ़ी ज़्यादा अभी चेंजेस है। इसमें आप लोगों को 150/70-17 का मतलब कि पीछे वाला जो टायर है वो आप लोगों को मिलेगा और सामने का जो है 100/90 का मिल जाएगा। अगर हम लोग इसकी साइलेंसर की बात करें तो होंडा हाइनेस में आप लोगों को एकदम स्टील का साइलेंसर मिलता था, लेकिन इसमें आप लोगों को क्रोम और स्टील दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और काफ़ी अभी अच्छा एकदम रेट्रो लुक, मतलब कि कैफे रेसर वाला जो लुक आता है वो उस तरह का पीछे से आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सामने से आप लोगों को नॉर्मल जो है मतलब कि होंडा हाइनेस की तरह ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करें तो इसका जो टॉप स्पीड होंडा जो क्लेम करता है वो है 135 km/h, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस ये हार्डली 130 के करीब ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आप लोगों को स्लिपर क्लच मिल जाता है और डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होंडा ने की है अभी इसमें स्लीपर का क्लच दे देके। और अगर हम लोग इसकी कलर स्कीम की बात करें तो इसमें आप लोगों को दो ही कलर मिलेंगी, एक जो है ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन और एक है फुल रेड और ब्लैक, ठीक है। तो मेरे प्रेफरेंस से ब्लैक और येलो ही मेरे को ज़्यादा पसंद आया है रेड के हिसाब से। अगर हम लोग इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आप लोगों को 348 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.8 bhp का एट 5500 rpm एंड जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 30 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छा है होंडा के लिए, जो कि इसमें 30 Nm का टॉर्क दे दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वो है कि इसमें आप लोगों को 5-speed गियरबॉक्स ही मिलेगा। अगर सिर्फ 6-speed कर देता तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता। अगर हम लोग माइलेज की बात करें तो इसमें आप लोगों को 35 से लेकर 40 तक आराम से माइलेज मिल जाएगा। एंड इसमें आप लोगों को एक 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि आई थिंक मतलब कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी देता है। अगर आप लोग जावा से और रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करोगे तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग जावा को कंपेयर करोगे, अभी जो रिसेंटली Java 42 लॉन्च हुआ है, Java 42 में आप लोगों को सिर्फ 14 लीटर का मिलेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को 1 लीटर ज़्यादा मिलेगा। तो गाइस, लुक्स के मामले में होंडा CB350 RS जो है एकदम 10 out of 10 है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सामने से अगर आप लोग इस गाड़ी को देखोगे तो एकदम क्लासिक रेट्रो वाला लुक मिलेगा। अगर आप लोग साइड से देखोगे तो ये जो है कैफे रेसर वाला लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग जावा से और रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करें तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बाइक बना देती है उन दोनों से। और इसमें आप लोगों को फुल्ली LED का सेटअप मिल जाता है, जो कि रॉयल एनफील्ड में तो बिल्कुल भी भाई नहीं मिलता है और जावा में भी नहीं मिलता है फुल्ली LED का। लेकिन सिर्फ एक ही इसमें खामी है, वो है कि इसमें आप लोगों को 5-speed गियरबॉक्स ही मिलेगा। अगर 6-speed दिया होता तो काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाता।
अगर अभी हम लोग सबसे मेन चीज़ जो है वो है प्राइसिंग की, अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो थोड़ा सा इसका जो प्राइसिंग है थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा कर दिया है, लेकिन होंडा जो है वैसे ही कुछ प्रीमियम पार्ट्स भी दे रहा है तो आई थिंक इसीलिए उसने प्राइसिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है इससे इसके लिए। और इसका जो प्राइसिंग है वो है 1.96 लाख एक शोरूम दिल्ली। तो अगर हम लोग ऑन रोड की बात करें तो ये लगभग से लगभग 2.30 से लेके 2.25 तक आराम से चली जाएगी, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू बाइक्स जावा और रॉयल इनफील्ड को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे। सो गाइस, यस गाइस, आज के वीडियो में बस इतने में ही मैं एंड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड राइड सेफ स्टे सेफ।